गुड इवनिंग, मैं मनोज। मेरा यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस प्लेटफॉर्म में मैं आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। मैं मेरा देश का जो तमाम जो युवा पीढ़ी है उनको आज ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी आपका 259 जो TGT है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का जो अपॉर्चुनिटी अरुणाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि ईटानगर की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जैसे कि आप लोगों के सामने है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये एडवर्टाइज नंबर दिया हुआ है, डेटेड आपका 7 अप्रैल 2022 का है ये ईटानगर का, ठीक है। बट इस जो वैकेंसी के लिए पूरे तमाम देश की जो जनता इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर इसमें मेंशन है, इसलिए कोई बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी जो कि नॉन गेजेटेड है, ठीक है। इसका टोटल जो वैकेंसी है वो है आपका 259 वैकेंसी इसमें है, ठीक है। 259 वैकेंसी के लिए जो कुछ एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट, अगर आप देखना चाहेंगे ये देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेंड ग्रेजुएट जो आपका टीचर है जिसको TGT कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से है। इसका जो पे स्केल है, पे स्केल जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो पे मैट्रिक्स जो हमारा 7th सेंट्रल पे कमीशन जो पे लेवल 7 के हिसाब से देखिए, इसका इनिशियल जो बेसिक है 44,900, दैट मीन्स लगभग 45,000 है, और 100,000 इसका आपका लास्ट जो बेसिक जाएगा एज पर 7th CPC आपका 142,400 तक जाएगा, जो कि ग्रुप बी में आता है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप बी के अंतर्गत होता है ये। आपका सिर्फ इनिशियल जो बेसिक है, इसके साथ जितना भी एडिशनल जो आपका DNS अलाउंस रहेगा, आपका HR रहेगा, हाउस रेंट अलाउंस रहेंगे, ठीक है, आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेंगे, इसके अलावा जो इन एडिशनल अलाउंसेस के साथ आपको जो इनिशियल एक सैलरी अगर लगभग अगर देखा जाए तो 70,000 के आसपास बनेगा आपका सैलरी, ठीक है, ये जो TGT पोस्ट के लिए जो वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वैकेंसी कुछ इस तरह है जैसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी को कैटेगरी जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो बांटा गया है, ठीक है, इसको इसका जो कंप्लीट जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसको स्टेप वाइज मैं आपको कवर करूँगा, पूरा बीट बाई बीट कवर करूँगा। इसलिए मैं मेरा रिक्वेस्ट है जो तमाम जो जॉब ओरिएंटेड बच्चे हैं जो इस पद के लिए TGT पद के लिए एलिजिबल है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, 2 मिनट देख के आप स्किप मत कीजिए। अगर आप एलिजिबल है कंप्लीट वीडियो को देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो को देखें, इसके संबंधित कोई भी वीडियो आप जो भी वीडियो देखते हैं एक वीडियो को संपूर्ण देखें ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी 2-4 मिनट देखते हैं उसके बाद स्किप कर जाते हैं, फिर दूसरे वीडियो देखते हैं उसके बाद उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रह जाता है, वो ऑनलाइन जब हम आवेदन करते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो इसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले जो तमाम मेरा विजिटर्स है जो पहली बार जो विजिट कर रहे हैं मेरा चैनल को, उनसे मेरा निवेदन है वो जो है इस चैनल को जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ इसका बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ से जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट या न्यूज जैसे ही मैं यहाँ से अपलोड करूँ उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। उसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपका फ्रेंड सर्कल आपका रिलेटिव जो उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से जो वहाँ पे भी कोई अगर एलिजिबल बच्चा होगा जॉब ओरिएंटेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ये न्यूज मिल जाएंगे। चलिए अभी चलते हैं इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में, तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जो नंबर ऑफ वैकेंसी और जो वैकेंसी को किस तरह बांटा गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट आपका पब्लिक वैकेंसीज है, इसमें यह सब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह जो रखा गया है, सब्जेक्ट है आपका नंबर ऑफ पोस्ट है उसके लिए रखा गया है, रिजर्व APST मतलब अरुणाचल प्रदेश जो शेड्यूल ट्राइब्स है, और रिजर्व PWD जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कि वो है जो वन आर्म वन लेग और लो विजन, मिनिमम 40% परमानेंट बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए तभी जाके ये वैकेंसी उनको मिल पाएंगे। और इसमें 3 टाइप का वैकेंसी, एक तो आपका रिजर्व जो APST है अरुणाचल प्रदेश, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो शेड्यूल ट्राइब है आपका जो PWD कैंडिडेट्स है ये मिनिमम 40% जो परमानेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए, और इसमें जो डिफाइन किया है कौन सी डिसेबिलिटी जो है इसके इसमें जो जिसमें वो है जो है वन आर्म
आपका ओएल जो है वन लेग, जो एलबी होता है आपका लो विजन होता है, इस तरह के जो कैंडिडेट्स इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका मोर देन 40% डिसेबिलिटी है। उसको उसके बाद जो होता है एक अनडिजर्व कैटेगरी, एक होता है आपका, आपका तीन कैटेगरी में बांटा है। जैसे कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में देखेंगे, टोटल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपका 22 वैकेंसी है, जिसमें 17 वैकेंसी आपका एपीएसटी जो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, आपका रिजर्व जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के उसके लिए एक है, अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी इसमें रखा गया है। क्योंकि देखिए इसमें एपीएसटी का जो पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, इसलिए उनको अग्राधिकार दिया गया है, मैक्सिमम वैकेंसी उनको दिया गया है। हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, ये भी 22 टीचर की आवश्यकता है, इसमें 17 वैकेंसी आपका एपीएसटी, एक वन फॉर जो आपका होता है पीडब्ल्यूडी, एम चार जो होता है अनरिजर्व के लिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए टोटल 11 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी उनमें से एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए है, जो पीडब्ल्यूडी के लिए एक वैकेंसी रखा गया है, 2 वैकेंसी आपका यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। सब दूसरे जो फोर्थ सब्जेक्ट आपका आपका फोर्थ सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 17 वैकेंसी है कुल वैकेंसी, इसमें 13 वैकेंसी जो एपीएसटी कैंडिडेट्स को दिया गया है, और एक वैकेंसी आपका पीडब्ल्यूडी, 3 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी। इकोनॉमिक्स जो बात करें तो टोटल वैकेंसी 11 है, 8 वैकेंसी उनमें से जो एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए, एक वैकेंसी आपका पीडब्ल्यूडी, 2 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया। सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए देखिए 11 वैकेंसी है टोटल, उसमें 8 वैकेंसी आपका एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए, 1 वैकेंसी आपका रिजर्व कैंडिडेट्स, 2 वैकेंसी आपका अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स है। उस तरह अगर मैथमेटिक्स की बात करें, टोटल वैकेंसी आपका 21 है, उसमें 16 वैकेंसी जो है आपका एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, एक वैकेंसी आपका जो आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, और 4 वैकेंसी आपका दिया गया है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसी तरह फिजिक्स की अगर बात करें, 69 वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें देखिए फिजिक्स में है, जिसमें 53 वैकेंसी आपका एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए, 2 वैकेंसी आपका जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, इसमें 14 वैकेंसी दिया गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसी तरह आप अगर देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट जो ये है आपका केमिस्ट्री है, आपका केमिस्ट्री के लिए 43 वैकेंसी है, आपका 33 वैकेंसी आपका जो एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए, एक आपका पीडब्ल्यूडी और 9 आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बायोलॉजी की बात करें, 16 वैकेंसी टोटल है, 12 वैकेंसी उसमें एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया, एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी, 3 वैकेंसी आपका दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से अगर है तो वैकेंसी टोटल 9 है, 6 वैकेंसी इसमें आपका एपीएसटी कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी के लिए एक दिया गया, 2 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, टोटल 7 वैकेंसी, 6 वैकेंसी उसमें आपका जो एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, और जो दूसरे कैटेगरी आपका अनरिजर्व कैटेगरी के, एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें नहीं है। इस तरह अगर टोटल देखें आपका, देखिए 197 वैकेंसी आपको दिया गया है जो एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल सब्जेक्ट के ऊपर, 12 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के ऊपर, और 50 वैकेंसी जो दिया गया है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी तरह अगर इसको हम टोटल करें, ऐड करें, ये 259 वैकेंसी टोटल आपका पीजीटी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन हम अभी जिसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम अभी मतलब पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे देख सकते हैं 13 मई 2000, इसका जो भी आपका एलिजिबिलिटी को मतलब जो कट ऑफ डेट होगा, कट ऑफ डेट जिसको कहते हैं, इसी डेट तक आपको हर चीज़ जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपका उम्र, तमाम चीज़ें जो है 13 मई 2022 तक ही काउंट किया जाएगा, ये आपका कट ऑफ एज है। चलिए जो नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम बात करें, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स का मिनिमम जो उम्र होना चाहिए, जो लोअर एज लिमिट जो है 21 साल होना चाहिए, और अपर एज लिमिट है उनका 33 इयर्स तक एज ऑन डेट, जो मैं जैसे कि मैंने बोला था आपका डेट हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या आपका जितने भी और रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है, 13 मई 2022 तक ही काउंट किए जाएंगे। तो आप लोग समझ लीजिए, 13 मई 2022 जो है आपका कट ऑफ डेट है। ठीक है, इस डेट से आपको आगे कोई भी चीज़ें काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो रिलैक्सेशन जैसे कि रखा गया है, ये तो आपका प्योरली जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं 21 साल मतलब मिनिमम, और अपर एज लिमिट जो है 33 एज तक हो सक मतलब लिया जाएंगे। अपर एज लिमिट जो है आपका रिलैक्स्ड 5 इयर्स जो एपीएसटी कैंडिडेट्स है उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनके इसी 5 इयर्स के साथ उनका अपर एज लिमिट 33+5=38 बन जाएंगे जो एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए। एनादर जो 5 इयर्स मिलता है, जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम कर रहे हैं स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं या अदर किसी में काम कर रहे हैं जो कि इससे लॉयर जो ग्रेड में काम कर रहे हैं, तो अगर वो इस पद के लिए अप्लाई करते हैं उनको 5 साल का जो छूट दिए जाएंगे जो उम्र का दिए जाएंगे, उसके साथ उनका भी अपर एज लिमिट जो है रहेगा 33+5=38 ईयर्स मिल जाएंगे। इसमें एक चीज़ बताया गया है, जो अगर कोई कैंडिडेट्स एपीएसटी पीडब्ल्यूडी है, इसमें जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन दिया गया है, अगर कैंडिडेट एपीएसटी है और पीडब्ल्यूडी भी है
अरुणाचल प्रदेश आपका शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी भी है, उसको कम्यूटेटिव उसको जो रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, जो पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल उनको पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल मिलेंगे और पीएसटी के कारण जो 5 साल मिलता है 15 साल का छूट मिलेगा। उसके तहत अगर देखा जाए तो 33+15 मतलब 48 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। 48 ईयर्स तक अगर कोई कैंडिडेट पीएसटी भी है और पीडब्ल्यूडी भी है तो उनको 15 साल का छूट मिलेगा, उसके साथ में वो 48 ईयर्स तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्लियरली देख लीजिए, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट का टीचर मतलब आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश, जैसे इंग्लिश हिस्ट्री आपका इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट आप मतलब आप जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपका सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होना, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपका बीएड होना चाहिए, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विथ कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बीएड, ठीक है। उसमें एक चीज़ दिया गया है जो ये है आपका जो पास आउट बच्चे हैं, इसमें एक कंडीशन और भी इसमें दिया गया है कुछ इस तरह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स है अगर कोई कैंडिडेट्स अपीयर कर चुके हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आया है, अपीयर कर चुके हैं एग्जाम जो फाइनल ईयर एग्जाम या सेमेस्टर अटेंड कर चुके हैं बट रिजल्ट नहीं आया है, या जो अभी जैसे अभी ये अप्रैल महीना चल रहा है जो अपीयर करने वाले हैं बट जिनको लगता है कि जिनका मार्कशीट वगैरह 13 मार्च से जो उनका जो वाइवा या इंटरव्यू डेट जो होगा, जो वाइवा और इंटरव्यू डेट तक जिनका मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स फाइनल सर्टिफिकेट आ जाएंगे उस तरह की कैंडिडेट्स भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट शर्त यह है उनको एक मतलब इसमें अंडरटेकिंग लिख के देना होगा जो कि वो इंटरव्यू और वाइवा व्यवस्था इसको सबमिट कराएंगे, अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो इनका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जो आवेदन का तरीका होगा यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन होगा थ्रू इसके जो एपीपीएससी जो होता है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी वेबसाइट में ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसी वेबसाइट में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कमीशन वेबसाइट में होगा एक बार, जो कि ये मैंडेटरी है, ये आपका अनिवार्य है, ठीक है। और वंस आपने रजिस्टर्ड इस वेबसाइट में कर गए, फ्यूचर जितने भी आपको एप्लीकेशन एनी पोस्ट एनी वैकेंसी के लिए अगर सबमिट करना हो तो उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड में आप उसमें एंट्री करके सबमिट कर सकते हैं। वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर इसके बाद आप और कोई वैकेंसी और पोस्ट निकलता है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं जो थर्ड पॉइंट है, देखिए कुछ थर्ड पॉइंट में कुछ इस तरह बताया गया है, सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन इन, आप एक एप्लीकेशन आप आवेदन करेंगे, अगर इसके अलावा इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन विथ हायर, अगर आप कोई एक एप्लीकेशन के अलावा अगर ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आपका अप्लाई करते हैं तो इसमें क्लियरली लिखा है एप्लीकेशन विथ हायर RID, जो RID होता है वो आपका रेफरेंस इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होता है, जो RID है आपका रेफरेंस इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है विल बी वैलिड, जो इसमें जो हाईएस्ट मार्क जिसमें रखा होगा वो वैलिड होगा, अन्यथा आपका इसमें क्लियर कराया गया है। इससे अच्छा है कि आप उसमें आपको जो ओनली एक एप्लीकेशन आप इसमें अगर कहा जाए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फोर्थ पॉइंट में इसमें लिखा है फीस हैज़ बीन टू पेड सेपरेटली फॉर इच एप्लीकेशन, इसमें देखिए क्लियर अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपको ओनली वन एप्लीकेशन ही आपको देना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप जब ऑनलाइन सबमिशन करेंगे तब देखिए ये जो एप्लीकेशन आपको देखिए स्कैंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द एप्लीकेशन स्टेज, जब आप एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे आपको देखिए ये जो चीज़ें हैं आपको अपलोड करना होगा, स्कैंड एप्लीकेशन आपका एप्लीकेंट जो सिग्नेचर आपको ब्लैंक इंक में होना चाहिए ऑन व्हाइट पेपर में ब्लैंक इंक में आप उसको अपलोड करेंगे। इसमें देखिए कुछ केबी में दिया है, इसका साइज दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में आपको अपलोड करना होगा आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, और तीसरा चीज़ आपका जो फॉर फाइनल ईयर और सेमिस्टर स्टूडेंट जो है बोनोफाइड सर्टिफिकेट, जो फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट होंगे या सेमिस्टर का जो स्टूडेंट होंगे आपका बोनोफाइड सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट करना होगा, स्कैन करके भेजना होगा।
ठीक है। उसमें देखिए और एक और जो चीज़ें आपको सबमिट करना होगा वो है, ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट, आपको यहाँ क्लियर करा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है, देखिए इसमें लिखा है सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड 1 वीक प्रियर टू द डेट ऑफ इंटरव्यू। इसमें आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू से एक हफ्ता पहले डेट, आपको जो डेट मिलेगा इंटरव्यू का जो डेट मिलेगा उस डेट से एक हफ्ते पहले प्रियर टू वन वीक प्रियर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसमें मैं बताऊंगा, ये जो जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यहाँ से यहाँ तक आपको एक हफ्ता पहले आपको वहाँ पे सबमिट कराना होगा इंटरव्यू से एक हफ्ता पहले, ठीक है। अच्छा, वो कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, देखिए 1 से लेकर 6 तक के डॉक्यूमेंट देना होगा, जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ एज, सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ क्लास एक्साइज जो 12th का आपका वो देना होगा, जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 4th में देना होगा बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट जो कि, और 5th में देना होगा आपका बीएड सर्टिफिकेट, और 6th में देना होगा आप एपीएसटी सर्टिफिकेट, जो एपीएसटी फॉर एपीएसटी एप्लीकेंट जो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट उनको देना होगा, एंड पीआरसी जो होता है आपका, जो होता है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये भी देना होगा आपको, आपका आधार कार्ड, और एपिक फॉर द अदर एप्लीकेंट्स, एपिक देना होगा जो इलेक्ट्रोलाल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपका एपिक होता है इलेक्ट्रोलाल आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। अदर जो एप्लीकेंट है, जो अदर स्टेट से अगर कोई जो एप्लीकेंट होंगे आपको उसमें आपको शामिल कराना होगा एपिक, जो इलेक्ट्रोल आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है देना होगा, ठीक है। ये जो 1 से लेकर 6 तक जो चीज़ें डॉक्यूमेंट है ये देना होगा, इसमें देखिए क्लियर कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का इसमें देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो अटेस्टेड जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो आपको इंटरव्यू का एक हफ्ता पहले देना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है उसी टाइम जब आपको इंटरव्यू और भाई बाबस के लिए बुलाए जाएंगे तब आप उसी टाइम पर इसको सबमिट कीजिएगा। उसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो कि 2 स्टेजेस में होगा क्लियरली बताया जा रहा है। देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा 2 स्टेजेस रहेंगे, उसमें रहेंगे 2 स्टेजेस, स्टेजेस 1 रहेगा आपका रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन, दूसरा रहेगा आपका इंटरव्यू जिसको भाइवा बोस कहते हैं, ठीक है। ये है 2 स्टेजेस है आपका। रिटर्न एग्जामिनेशन की अगर बात करें, रिटर्न एग्जामिनेशन में देखिए आपका क्या क्या रहेंगे, इलिजिबल जो एप्लीकेंट है विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक रिटर्न एग्जामिनेशन, कैसे रहेगा उनका, देखिए उनका जो रहेगा पार्ट वन में क्या रहेंगे, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का होंगे, आपका पार्ट टू में देखिए जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, आपका जो पार्ट थ्री में दो पेपर आपका रहेंगे, देखिए कौन सा रहेंगे, जो पार्ट थ्री में जो पेपर 1 रहेगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और सेल्फ जो आपका और कवर एंटायर सिलेबस ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से आप TGT अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो सिलेबस एंटायर सब्जेक्ट उसमें रहेगा जो कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 मार्क का होगा, जो थर्ड पार्ट जो रहेगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में जो सेकंड पेपर रहेगा, देखिए पेपर 2 वो रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें कन्वेंशनल एसे टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एंटायर सिलेबस ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, इसमें एसे टाइप का जो क्वेश्चंस आपका रहेंगे, दैट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, एंटायर जो सिलेबस ऑफ आपका कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर ये आपका 100 मार्क्स का होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे देखिए जो चीज़ बताया गया है इसमें, जो क्वालिफाइंग की मैं अगर बात करूँ, इसमें क्वालिफाइंग जो चीज़ें हैं इसमें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, टू क्वालिफाई अगर करना है क्वालिफाई क्या क्या रहेंगे, एप्लीकेंट मोस्ट स्कोर एक मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट, आपका हर एक सब्जेक्ट जो दिया गया है उसमें 33% रखना होगा, अगर आप क्वालिफाई मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है 33% और आपका एग्रीगेट 45%, सारे पेपर का जो एग्रीगेट होगा यहाँ पे देख सकते हैं ये 45% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए तभी जाके आपको क्वालिफाइड मतलब माना जाएंगे, ठीक है, रिटर्न क्वालिफाइड करके आपको माना जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपका इंटरव्यू जिसको भाई वापस भी कहते हैं, उसके लिए देखिए आपका जितना वैकेंसी होगा उसका 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, आपका आफ्टर रिटर्न जो एग्ज़ाम के बाद उसमें जितना पोस्ट है देखिए लगभग अप्रोक्सीमेटली इसमें बताया गया है कि आपका 770 कैंडिडेट्स को अप्रोक्सीमेटली जो है शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे,
ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट यू विल बी एलिजिबल फॉर इनवाइटेड द इंटरव्यू एंड भाईवा बस। इंटरव्यू और भाईवा बस के लिए आपको लगभग 777 कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएंगे अप्रोक्स, उसके आसपास प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। इसमें क्लियरली बताया गया है कि 3 times जो बुलाए जाएंगे, जो रिटर्न में क्वालिफाई होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में भाईवा बस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, उसका जो आपका थर्ड जो आपका और एक जो ये आपका 3 papers उसमें हो गए, जो फोर्थ आपका होगा ये आपका होगा इंटरव्यू अपलिक भाई वापस होगा, जिसमें एक आपका रहेंगे जो फॉलोड बाय क्लासरूम टीचिंग। इसमें क्या रहेंगे आपका क्लासरूम टीचिंग होगा, जो कि आपको वहीं कमीशन की जो प्रीमिसेस है वो परिसर में उस होंगे, जो आपका देखिए कमीशन का प्रीमिसेस के अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे जो क्लासरूम टीचिंग, इसमें जो बोर्ड बैठेंगे और आपका टीचिंग परफॉर्मेंस देखा जाएंगे। ठीक है, ओके तो ये आपका टोटल जो है आपका जो लास्ट स्टेज था आपका इंटरव्यू एंड भाई बाबस, जो कि 50 marks का होगा। और टोटल जो उसके बाद जो मेरिट बनेगा, इसमें टोटल जो मेरिट होगा इसमें दोनों को मिला के आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और आपका इंटरग्रेट का इंटरव्यू पब्लिक जो भाई बाबस का एग्रीगेट बनाए जाएंगे, और जो मेरिट इसमें लिस्ट बनाए जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी उसका मेरिट लिस्ट बनेंगे और टॉप टू बॉटम ऑर्डर में होंगे, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किए जाएंगे। माने जो प्रायोरिटी ऑफ मेरिट, प्रायोरिटी ऑफ जो मेरिट बेसिस होगा। ठीक है, उसमें एक चीज़ और कहा है, ये जो नोट में आप लोग यहाँ ध्यान दे सकते हैं, जैसे नोट में एक विशेष जो टिप्पणी दिया गया है, जैसे कि है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बताया जा रहा है जैसे अगर मान लो इसमें कमीशन के पास वो अधिकार है, राइट है, कमीशन रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ए रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट भी करा सकता है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा अगर ये उसको कमीशन को लगता है कि अगर इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज सिग्निफिकेंटली लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने कवर किया उसके अलावा आपको प्रीलिम टेस्ट भी एक कराया जा सकता है, कमीशन कर सकता है, अगर आपका जो एप्लीकेंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसको जो कि रहेगा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टू बी आंसर्ड ऑन OMR सीट इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपका OMR जो होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, उस बेस पे आपको जो है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसको प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, बट ये डिपेंड अपन करता है आपका नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर ज़्यादा होते हैं, कमीशन के पास ये अधिकार है, ये आपको करा सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए, इसमें क्लियरली बताया है जो बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट, अगर कमीशन को लगता है कि एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए हैं, एप्लीकेंट ऑन ग्राउंड में अगर ज़्यादा होते हैं, अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट करना पड़ा, अगर प्रीलिमिनरी टेस्ट अगर करना पड़ा, प्रीलिमिनरी से आपका दिमाग में होगा कि कितने बच्चे फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, अगर प्रीलिमिनरी टेस्ट करना पड़ा उसके बाद उसमें जो बच्चे होंगे 12 times, इसमें क्लियरली किया है 12 times जो कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल जो है कराए जाएंगे। ठीक है, मतलब शॉर्टलिस्टेड कराए जाएंगे। ठीक है, फोर्थ में यहाँ पे दिया आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ऑन सक्सेसफुल एप्लीकेंट नोटिफाइड बाय दिस कमीशन विल बी बेस्ट ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अगर आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मतलब लास्ट जो फाइनल लिस्ट जो बनेगा, ठीक है, फॉर द पोस्टिंग फॉर द ज्वाइनिंग, वो होगा आपका एग्रीगेट बनेगा आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन एंड जो आपका इंटरव्यू और जो भाई भाई जिसको कह रहे हैं उन दोनों का एग्रीगेट बनके, और इसका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, पहले कैटेगरी वाइज कर दी जाएगी आपका 3 categories में जो APST आपका PWD और अनरिजर्व कैटेगरी कर दिया जाएंगे, और बेसिस ऑफ मेरिट जो एग्रीगेट ऑन द बेस्ट ऑन द एग्रीगेट मेरिट उसके हिसाब से आपका जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, कुछ इस तरह यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बताया जा रहा है, जो APST एप्लीकेंट है उनके लिए 150 rupees फीस रखा गया है, और जो अदर एप्लीकेंट होंगे उनके लिए 200 rupees की फीस उसमें रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स में इसमें दिया गया, एप्लीकेंट्स इन द गवर्नमेंट सर्विस मस्ट अप्लाई डायरेक्ट टू द कमीशन अंडर इंटीमेशन टू द रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। इसमें क्लियर कर दिया गया है, जो कोई सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली उनका जो डिपार्टमेंट थ्रू देयर डिपार्टमेंट डायरेक्टली जो है उनका कमीशन को, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे विथ NOC। ठीक है,
आपका सिलेबस की बात करें, आपका सिलेबस इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कंप्लीट सिलेबस वो कमीशन का वेबसाइट में आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन का आपका लास्ट डेट है, ये देखिए 13 मई, में पहले से बता चुका था, 13 मई 2022 तक आप ही आवेदन कर सकते हैं। यही था जो समरली जो इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन का मैंने कोशिश किया इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ब्रीफ करने के लिए, और उम्मीद करता हूं आप लोग जो बच्चे इसको व्यू करेंगे, जो कैंडिडेट्स इसको व्यू करेंगे, आसानी से इसको समझ पाएंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट शर्त यह है कि उससे पहले आपको कंप्लीट वीडियो आप देख चुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये था कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस विथ बेस्ट, मतलब बेस्ट विशेष के साथ मैं सभी कैंडिडेट्स का शुभकामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले जो जॉब अपॉर्चुनिटी का नोटिफिकेशन के साथ। यहीं पे इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।